हेलो बच्चों कैसे हो आप बच्चों मैं मीनाक्षी आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का पाठ सोलह करवाऊंगी जिसका नाम है गिनती बच्चों आज हम गिन, शब्दों में और हिंदी में गिनती लिखना सीखेंगे बच्चों आप अंग्रेजी में आपको अंग्रेजी में गिनती लिखनी आती है लेकिन आज मैं आपको हिंदी में गिनती लिखना सिखाऊंगी कि हिंदी में गिनती कैसे लिखी जाती है देखिए मैंने यहाँ पर तीन कॉलम बनाए हैं अंग्रेजी अंक हिंदी में और शब्दों में अंग्रेजी में तो आप सबको लिखनी आती है कि अंग्रेजी में गिनती कैसे लिखी जाती है लेकिन हिंदी में हम लिखेंगे कि इस इन इन अंकों को हिंदी में कैसे लिखा जाता है और शब्दों में कैसे लिखा जाता है देखिए इसको हम अंग्रेजी में वन बोलते हैं लेकिन हिंदी में इसे एक बोला जाता है शब्दों में एक ऐसे लिखते हैं अब हम हाँ देखिए हिंदी में एक कैसे लिखते हैं इसको ऐसे करके ऐसे एक इसे अंग्रेजी में टू बोला जाता है लेकिन इसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम दो शब्दों में दो ऐसे लिखा जाता है अब देखिए दो हिंदी में कैसे लिखते हैं ऐसे करके इसे मोड़ के नीचे दो आगे है अंग्रेजी में इसे थ्री बोलते हैं लेकिन हिंदी में इसे तीन बोला जाता है तीन देखिए कैसे लिखते हैं ऐसे गोल घुमा के से मोड़ दिया ये बन गया हमारा तीन, आगे इसे अंग्रेजी में फोर बोलते हैं लेकिन हिंदी में इसे चार बोला जाता है चार देखिए कैसे लिखते हैं हिंदी में इसको ऐसे ये बन गया चार इसे हम अंग्रेजी में फाइव बोलते हैं लेकिन हिंदी में इसे पांच बोला जाता है शब्दों में पांच ऐसे लिखते हैं अब देखिए हिंदी में पाँच कैसे लिखते हैं इसको ऊपर की तरफ यहीं से ऐसे मोड़ दिए तो बन गया पाँच इसे हम अंग्रेजी में सिक्स बोलते हैं लेकिन हिंदी में इसे छः बोला जाता है छः देखिए हिंदी में कैसे लिखते हैं इसको ऐसे घुमा के ऐसे ये बन गया छः आगे इसे अंग्रेजी में सेवन बोलते हैं लेकिन हिंदी में इसे सात बोला जाता है सात देखिए इसको यू की तरफ ऐसे घुमा के यहाँ से मोड़ दो, ये बन गया सात आगे इसे अंग्रेज़ी में एट बोलते हैं लेकिन हिंदी में इसे आठ बोला जाता है आठ देखिए कैसे लिखते हैं इसको नीचे की तरफ ऐसे यहीं पे ही इसे छोड़ दिया बन गया आठ आगे इसे अंग्रेजी में नाइन बोलते हैं लेकिन हिंदी में क्या बोला जाता है इसे नौ नौ देखिए कैसे लिखते हैं ए ऐसे उल्टा घुमा के इसे बोलते हैं टेन लेकिन हिंदी में इसे क्या बोला जाता है दस दस देखिए कैसे लिखते हैं पहले हम लिखेंगे एक फिर हम इसे शून्य जीरो को हम हिंदी में शून्य बोलते हैं क्या बोलते हैं शून्य ऐसे ही शब्दों में एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ऐसे लिखा जाता है तो बच्चों आज हमने एक से दस तक गिनती लिखनी सीखी तो अब मैं आपको गृह कार्य दूंगी जिसे आपने अपनी नोटबुक में अभ्यास करना है धन्यवाद